So I'll take one example based on coefficient. As I told you, coefficient means जो भी term के बारे में पूछ रहे हैं उसको छोड़ के rest of the number, including sign. ठीक है? First example है identify the terms their coefficients for each of the following expression. बहुत ही सिस्टमेटिक हम इस एग्जाम्पल को करेंगे. फर्स्ट इज 7x² yz - 5xy. ठीक है, एक्सप्रेशन है इस तरह से. नाउ दे आर आस्किंग आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो फर्स्ट वी लाइक द टर्म्स. यहां पर टर्म्स क्या है? टर्म्स, पहला टर्म क्या है? 7x² yz. एंड सेकेंड टर्म क्या है? -5xy. ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट. नाउ दे आर आस्किंग देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है इस जो भी क्वेश्चन है इसकी टर्म का कोएफिशिएंट. उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा कि x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट या z का कोएफिशिएंट. जो भी टर्म है, आइडेंटिफाई द टर्म. तो हमने टर्म आइडेंटिफाई कर ली कि देयर आर टू टर्म्स. अब इस टर्म का मुझे कोएफिशिएंट पता करना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? टर्म मींस यहाँ पर आप सारे वेरिएबल जो है उसको छोड़ के आपका कोएफिशिएंट होगा विच इज 7. वाई ये हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट. और ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स. टर्म्स हमने लिख दी. अब टर्म का हमने कोएफिशिएंट बताया. यहाँ पर हमसे स्पेसिफिकली अगर पूछा होता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, तो हम z को छोड़ के ये बाकी आंसर लिख देते. लेट्स से अगर वो हमसे y का कोएफिशिएंट पूछते तो हम y को छोड़ देते और बाकी सारा लिख देते. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशनड एनी वेरिएबल और स्पेसिफिक टर्म. दे हैव क्लियरली सेड आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो हमने पहले क्या करा? टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया. एंड उसके बाद अब हम उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे. तो अभी इस एग्जाम्पल में कोएफिशिएंट क्या होगा? इनको छोड़ के तो हमारा कोएफिशिएंट होगा -5. ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. सेकेंड है x² + x + 1. हम टर्म लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज x², सेकेंड इज x, थर्ड इज 1. x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. जब यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, 1 × x². सिमिलरली यहाँ 1x है और ये तो 1 है ही. सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. एंड थर्ड का भी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. बाय चांस यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. और यहाँ कोई वेरिएबल या कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा था तो हमने पहले टर्म डिसाइड कर ली. इसमें तीन टर्म है इस एक्सप्रेशन में. फर्स्ट इज x², सेकेंड इज x एंड थर्ड इज 1. उन टर्म के अकॉर्डिंग हमने उनके क्या लिख दिए? कोएफिशिएंट लिख दिए. ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है 3x² y² -5x² y² z² एंड थर्ड टर्म इज z². सबसे पहले इसमें टर्म क्या है? तो हम टर्म्स लिख देंगे. इधर हम कोएफिशिएंट लिखेंगे. ठीक है, टर्म्स फर्स्ट है 3x² y², सेकेंड टर्म है -5x² y² z² -5 या कुछ नंबर नहीं दिया होता तो हम 1 कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ. एंड थर्ड टर्म है z². अब हम यहाँ जब कोफिशियंट लिखेंगे और कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है तो हम सारे वेरिएबल यानी सारी टर्म को छोड़ के जो भी नंबर है, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म का 3, सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा? -5. थर्ड टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे उसके आगे, तो थर्ड टर्म का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 1. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है. हमको क्या करना है? टर्म एंड कोएफिशिएंट को सेपरेटली लिखना है. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 9 -ab
प्लस बी सी माइनस सी ए। अगेन हम क्या करेंगे, टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज 9, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्म्स, और यहाँ पर आपका आएगा कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट टर्म इज 9, सेकेंड इज माइनस ए बी, थर्ड इज बी सी, फोर्थ इज माइनस सी ए। 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, मींस 1 होगा। एंड एज आई टोल्ड यू साइन भी जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, तो इन दिस केस माइनस ए बी मीन्स क्या है, माइनस 1 इंटू ए बी, तो ए बी को छोड़ के हमने क्या लिया, माइनस 1। सिमिलरली अब बी सी है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। माइनस सी ए है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस 1। 1 कुछ भी नहीं है तो 1 तो लेना ही है, और साइन जो है वो भी लेना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका फोर्थ पार्ट। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इससे आपकी कोएफिशिएंट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। अगर हमें स्पेसिफिकली कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोला है तो हम उसे छोड़ के बाकी सारा नंबर जो भी दिया हुआ है ले लेंगे, बट यहां पर उन्होंने टर्म के कोएफिशिएंट बोले हैं। ए बाय टू प्लस बी बाय टू माइनस ए बी, सेम वही प्रोसीजर, हम टर्म्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज ए बाय टू, सेकेंड टर्म इज बी बाय टू, थर्ड टर्म इज माइनस ए बी। ए बाय टू है, इसको आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो इसको हम ए इंटू वन बाय टू भी समझ सकते हैं, ठीक है। ए इंटू वन बाय टू मीन्स ए बाय टू बोले चाहे हम ए इंटू वन बाय टू, तो कोफिशियंट क्या हुआ, 1/2, बिकॉज ए को हमने छोड़ दिया। सिमिलरली बी इंटू वन बाय टू के इक्वलेंट है ये, और लगा देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आइदर दिस और दिस बोथ आर सेम टर्म। यहाँ बी का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 1/2, इसको आप चाहें तो माइनस 1 इंटू ए बी, ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। तो ए बी का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1, ठीक है। तो सिंपली हमने इस टर्म के कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए, फर्स्ट का है 1/2, सेकेंड का भी 1/2, दोनों प्लस है, एंड थर्ड का कोएफिशिएंट है माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज 0.,, इसे मैं रब कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें, 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y। सबसे पहले हम टर्म्स लिखेंगे एंड देन विल फाइंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म इज 0.2x, सेकेंड टर्म इज 0.3xy, एंड थर्ड टर्म इज प्लस 0.5y। प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाउ विल फाइंड द कोएफिशिएंट, टर्म को छोड़ के कोएफिशिएंट, तो क्या होगा आपका 0.2, राइट। सेकेंड में क्या होगा कोएफिशिएंट, यस माइनस 0.3। थर्ड में क्या होगा कोएफिशिएंट, 0.5, ठीक है। विद साइन लेते हैं तो हमने विद साइन लिया, जो भी वेरिएबल या टर्म है उसको छोड़ के हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट, नाउ सेकेंड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अनदर एग्जाम्पल इज क्लासीफाई द फॉलोइंग following polynomials as monomials, binomials, trinomials, which polynomial डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। इसमें एडिशनल एक और चीज दी है,
डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी. फाइन, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे सारे सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज 1000. इससे आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4. फोर्थ इज 7 प्लस ए प्लस 5b. फिफ्थ 2b माइनस 3b स्क्वायर. सिक्स 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. सेवेंथ इज 5x माइनस 4y प्लस 3x. एट्थ इज 4a माइनस 15a स्क्वायर. नाइन्थ इज 2xy प्लस yz प्लस zt प्लस tx. आपको जरूर लंबा चौड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक ही में सब कुछ कवर हो रहा है. पी क्यू आर, आर को मैं ऐसा बना देती हूँ. एंड देन लास्ट टू इज पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. एंड सबसे लास्ट इज 2p प्लस 2q. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिखने में ज़रूर बड़ा है बट इसके अंदर हम सारा एक ही साथ कर सकते हैं. सबसे पहले विल फाइंड मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, हम वो छाट लें जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट इज ये हमारा क्या है, मोनोमियल. और देखिए आप, ये नहीं है, ये नहीं है. दिस इज ऑल्सो योर मोनोमियल. मैं इनको मोनोमियल के लिए बॉक्स बना देती हूँ. दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज मोनोमियल. ठीक है, अब ये दो तो हमारे सॉल्व हो गए. मोनोमियल हमें पता चल गया. नाउ बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स दोज एक्सप्रेशंस विच आर हैविंग और विच आर कंटेनिंग टू टर्म्स. टू टर्म वाले हम ढूंढ लें क्या होंगे. हम चौक का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं. दीज आर टू टर्म्स. So this is binomial. Another binomial is, this is not a binomial. This is again not a binomial क्योंकि ये तीन टर्म है और तीनों सॉल्व नहीं हो रही हैं. ये binomial है because it is having two terms and सॉल्व भी नहीं हो रही. ये binomial नहीं है. This is not a binomial. हो सकता है because मैंने जब अभी इसे ध्यान से ऑब्जर्व किया, it is 5x minus 4y plus 3x. इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. आई थिंक इट इज सेवेंथ. सेवेंथ इज वॉट, 5x माइनस 4y प्लस 3x. ये तीन टर्म जरूर दिख रही हैं बट दो टर्म जो है वो लाइक टर्म है. 5x एंड 3x विल बी सॉल्व एंड इट विल गिव यू 8x माइनस 4y. सो नाउ इट इज अ बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म है. तो हमारा बाइनोमियल में ये भी आंसर होगा. सेवेंथ इज ऑल्सो बाइनोमियल. नाउ सो नाउ फाइनल इट इज 8x माइनस 4y एंड अगेन इट्स अ बाइनोमियल बिकॉज दो टर्म आ गए. अब इसके बाद वाले चेक करेंगे. मीन्स इसको हमने व्हाइट बॉक्स में डाल दिया. नाउ दिस इज अगेन टू टर्म. सो दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल और ये टर्म जो है वो सॉल्व भी नहीं हो रही. फिर इसे हम देखेंगे, आगे देखेंगे. ये तो मोनोमियल हो चुका है. ये भी हमारा बाइनोमियल है बिकॉज ये दो टर्म्स है. एंड फाइनली दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल. सो अब हमें मोनोमियल मिल चुके हैं और बाइनोमियल मिल चुके हैं. पहले हम उन्हें लिख दें जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, मोनोमियल में हमें येलो चौक से जो हमने बॉक्स बनाए हैं वो सारे हमारे मोनोमियल हैं. मोनोमियल, मोनोमियल में हमारा है नंबर 2 एंड 10. ठीक है,
फिर बाइनोमियल है, बाइनोमियल में हमारा है फर्स्ट, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ, एट्थ, टेंथ, सॉरी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, सब हमें मिल गए बाइनोमियल। नाउ टर्न फॉर ट्राइनोमियल, इट्स अ टर्न फॉर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस जिनके पास तीन टर्म्स हो, तो अब तीन टर्म वाले हम ढूंढेंगे, जैसे मैं पर्पल चौक से लिख रही हूँ, ये तो फोर टर्म है, ये नहीं होगा, वन टू थ्री, और ये टर्म सॉल्व भी नहीं हो रही हैं। सो दिस इज योर ट्राइनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग थ्री टर्म एंड टर्म सॉल्व नहीं हो रहे, ये हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल ये एक टर्म बची जो ट्राइनोमियल तो नहीं है, ठीक है। सो नाउ विल राइट अबाउट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हुआ हमारे पास, फोर्थ टर्म आया, देन पर्पल में सिक्स्थ आया, देन ओनली टू टर्म्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए फाइंड अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके अलावा क्वेश्चन है विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। अब हमारे पास केवल ये बचा है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, तो दिस इज योर लास्ट वाला आंसर, विच डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। तो नन ऑफ दिस में आएगा, एक तो ये आ जाएगा एंड और कुछ तो नहीं छूटा हमारा, एक ये भी छूटा है बिकॉज दिस इज नॉट मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो ये भी फिट नहीं हुआ। तो थर्ड भी आपका जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके 10-12 पार्ट थे, हमने सबसे पहले मोनोमियल छाटा। मोनोमियल मीन्स जिसकी एक ही टर्म हो, कुछ भी हो पर वो टर्म एक हो। फिर हमने बाइनोमियल छाटे, जो दो टर्म होती है वो सारे बाइनोमियल हो गए। देन वे सॉल्व दैट ट्राइनोमियल एंड फाइनली नन ऑफ दीज में हमारे पास दो टर्म आई, क्योंकि उसमें चार टर्म हैं जो सॉल्वेबल नहीं है, तो ये ट्राइनोमियल तो नहीं है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड एक्सेट्रा, नाउ विल गो टू द टॉपिक एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस। वैसे तो ये आप पढ़ चुके हैं, बट इसका रिव्यू लेना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन तक जाने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिफोर स्टार्टिंग एडिशन, मैं कुछ बेसिक अपने रिक्वायरमेंट जो है उनको बताऊंगी, लाइक वी हैव 2x प्लस 4x और माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, लेट्स से 7x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है। देन व्हाट विल डू, हाउ विल सॉल्व, ठीक है। हम लाइक टर्म देखेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मींस दीज आर लाइक टर्म, 2x एंड 4x, दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो ये सॉल्व हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 6x। सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, बट यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हेयर x टू द पावर 2 एंड हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग x टू द पावर 2, मीन्स दीज आर लाइक टर्म, दिस इज माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 2, सो इट विल गिव यू माइनस 6x स्क्वायर, मीन्स ये फर्दर सॉल्व हो सकती है। 7x क्यूब माइनस 2x क्यूब, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये भी सॉल्व हो सकता है। मीन्स लाइक टर्म जो है वो एड और सब्ट्रैक्ट होंगी, बट अनलाइक टर्म जो है वो एड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो बिफोर सॉल्विंग एडिशन हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लाइक टर्म कैसी होंगी, जो वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो।
साइन प्लस माइनस कुछ भी हो बट वेरिएबल एंड पावर जो है वो सेम होंगी, तो वो लाइक टर्म्स होंगी और वो फर्दर सॉल्व हो जाएंगी, और अनलाइक टर्म जो है वो सॉल्व नहीं होंगी, एज इट इज रहेंगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो बहुत ही एलिमेंट्री बच्चों का एग्जाम्पल है कि लाइक आई एम हैविंग 5 चॉकलेट्स एंड 3 बिस्किट्स, कैन वी एड देम? नो। बट इफ आई एम हैविंग 5 चॉकलेट्स एंड 10 चॉकलेट्स, कैन वी एड दिस? यस। नाउ वी विल हैव 15 चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट में चॉकलेट ऐड हो सकता है, बट चॉकलेट में बिस्किट ऐड हो सकता है क्या? नहीं। तो सेम लाइक चीज ही ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी, अनलाइक चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको। नाउ क्वेश्चन लेंगे हम एग्जांपल एडिशन का। इफ वी आर हैविंग एक्सप्रेशन 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अनदर इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एंड लास्ट इज 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हमारा ऐड का जो प्रोसीजर रहेगा, हम सारी टर्म को ऐड में लिखें। ठीक है, ना व्हाट विल डू, विल ओपन द ब्रैकेट। हमने सबसे पहले सबको ऐड कर दिया, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहां माइनस होता देन यू नीड टू वरी कि अंदर के साइन चेंज होंगे, बट यहां पर प्लस ही है तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहां भी प्लस है तो अंदर के साइन जो है वो एज इट इज ही रहेंगे। अभी हम माइनस का भी एग्जांपल लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ व्हाट विल डू, विल कलेक्ट ऑल द लाइक टर्म, 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, ये सारे कलेक्ट हो जाएंगे। आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना होगा और साइन का बहुत ध्यान रखना होगा। नाउ माइनस 4x ये अलग टर्म है, इसको हम चेंज कर देते हैं, माइनस 4x 2x x ये कलेक्ट हो जाएंगे। सो नाउ यू विल हैव माइनस 4x प्लस 2x माइनस x। थर्ड जो आपका है दैट इज न्यूमरिक 5 माइनस 1 एंड 9, सो ये रिकलेक्ट हो जाएंगे, 5 माइनस 1 प्लस 9। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में बन चुका है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के दो तरीके, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, 7x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो इट विल गिव यू 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 9x स्क्वायर। बट अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो इसका ईजी वे ये होगा कि आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दें और अंदर उनके जो कोएफिशिएंट है, जो अभी हमने जस्ट इतना प्रैक्टिस किया, कोएफिशिएंट हमने अंदर लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट का रिवीजन भी हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है एंड इफ यू आर हैबिचुअल देन गो डायरेक्टली, अदरवाइज राइट इन दिस वे। ठीक है, दोनों ही सेम है। सेकेंड टर्म, सेकेंड कोएफिशिएंट क्या है आपका? एक्स है, अंदर आपके पास हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1, एंड थर्ड टर्म वॉज 5 माइनस 1 प्लस 9, जिसमें वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, अब होगा आपका 7 एंड 5 12, 12 में से 3 गया 9x स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर होगा माइनस 4 एंड माइनस 1 विल गिव यू माइनस 5 प्लस 2 मीन्स माइनस 3x, 9 एंड 5 इज 14 माइनस 1 इज 30। सो ये आपका रिजल्ट आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 13। क्या ये फर्दर सॉल्व हो रहा है? नहीं। अब मैं अगर आपसे इसमें क्वेश्चन करूं कि विच काइंड ऑफ पॉलीनोमियल इट इज, सो इट इज ट्राइनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। इफ आई एम आस्किंग द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म तो वो जाएगा 9 माइनस 3 एंड 30।
तो हमने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज कर लिया, हमने उसे ऐड भी कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया कि उसकी कितनी टर्म्स हैं और अगर हम उन टर्म्स के कोएफिशिएंट पूछें तो वो क्या है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक टर्म को कलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप डायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में उसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर राइट वे, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर इजी, विच एवर यू वॉन्ट टू फॉलो यू कैन फॉलो। नाउ अनदर सिंपल सा एग्जाम्पल इज एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी हम ऐड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज 3a² b कॉमा -4a² b कॉमा 9a² b। कैसे हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इनको ऐड के फॉर्म में लिख देंगे, इसे इसे और इसे ऐड करना है तो हम सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड, ब्रैकेट ओपन होगा, 3a² b प्लस माइनस इज माइनस 4a² b प्लस 9a² b। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, मीन्स दीज आर लाइक टर्म एंड एज आई टोल्ड यू लाइक टर्म कैन बी डायरेक्टली एडेड, बट आपको परेशानी आ सकती है तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया कि आप इनके कोएफिशिएंट को लिख लें। टर्म है आपकी यहाँ पर ए स्क्वायर बी, उसको छोड़ के उनके जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ है 3, यहाँ है -4 और यहाँ है 9। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 9 and 3 is 12, 12 में से 4 गया तो 8a² b। कितना सिंपली ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आप कोएफिशिएंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं और साथ में लाइक टर्म आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। नाउ सेकेंड इज इसी क्वेश्चन का सेकेंड, 2 by 3a, 3 by 5a, -6 by 5a। अगेन वी नीड टू एड, तो हम क्या करेंगे, 2 by 3a, +3 by 5a, +another term is -6 by 5a, तो यू नीड टू पुट ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 by 3a, +3 by 5a, -6 by 5a। टर्म चेक करेंगे वेदर दे आर लाइक और नॉट, ऑल थ्री आर लाइक बिकॉज सब में a है और a की पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मीन्स दीज आर लाइक टर्म। अगेन मैं वही रिपीट करूंगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एल्स यू कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ a, 2 by 3 plus 3 by 5 minus 6 by 5। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना होगा तो ये फर्दर सॉल्व होगा, 5 and 3 का एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा। अब आप इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 by 3 plus 3 by 5, अगली स्टेप है -6 by 5 a। ठीक है, हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 3 5 15, सो जो हमें मिला उसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 5 3 15 3 9 5 3 15, होल टर्म के साथ आपका है a। ठीक है, 2 5 10 plus 9 minus 18 upon 15 of a, सिंपल एलसीएम हमने सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया कि जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स और वो भी प्लस के माइनस के कुछ भी आ सकता है। ये हमने ले लिया 10 और 9 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 upon 15 a। आप इसे चाहें तो a upon 15 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया आंसर।
इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, रैशनल नंबर का एलसीएम, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4xy² - 7x² y, अनदर इज 12x² y - 6xy² थर्ड पार्ट इज -3x² y + 5xy² ठीक है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे ब्रैकेट में लिख के, थोड़ा सा केयरफुली आपको लिखना होगा, प्लस सेकेंड इज 12x² y - 6xy² प्लस -3x² y + 5xy² अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल क्वेश्चन को ऐड के फॉर्म में लिखा है। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, 4xy² - 7x² y, यहाँ प्लस ही है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसा एक्सप्रेशन था एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, जैसा एक्सप्रेशन था एज इट इज हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें xy² और x² y दो तरीके के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स दो तरीके की दिख रही है, कहीं पर xy² है कहीं पर x² y है, हम लाइक छाट लेंगे, xy² वाली जो जो टर्म्स हैं हम उन्हें टिक कर लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारा अगला स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ लाइक टर्म्स, 4xy² + 12, ये वाली, ठीक है, xy² तो 4xy² प्लस, सो अभी हमने क्या किया, सिंपल ऐड किया है, फॉर्म में लिखा है। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, 4xy² - 7x² y प्लस है तो एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, कोई साइन में चेंजेस नहीं होंगे। सिमिलरली प्लस माइनस इज माइनस, 3x² y + 5xy² राइट, हमने ओपन किया। नाउ वी विल कलेक्ट द लाइक टर्म, फर्स्ट इज xy² तो हम इससे मिलता हुआ टर्म ढूंढेंगे xy² तो अनदर इज दिस एंड दिस, इनको कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा स्टेप क्या होता है, कलेक्ट द ऑल लाइक टर्म्स। तो हमने कलेक्ट कर लिया 4xy² - 6xy² एंड लास्ट इज 5xy² प्लस। नाउ वी विल कलेक्ट द x² y, एक ये है एंड दिस वन, सो नाउ विल राइट ऑल द लाइक टर्म्स, -7x² y + 12x² y - 3x² y, ये हमने कलेक्ट कर लिया। अब अगेन यहाँ पर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट करें और आप चाहें तो कोएफिशिएंट बाहर, सॉरी टर्म बाहर लिख के कोएफिशिएंट अंदर लिखते हैं। हमारा टर्म है xy², उसका कोएफिशिएंट है 4 - 6 + 5, आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो। सिमिलरली यहाँ टर्म आपकी है x² y एंड कोएफिशिएंट है -7 + 12 - 3, हमने दोनों टर्म के लिख लिए हैं, हम इसे यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। 4 + 5 = 9, 9 - 6 = 3 xy² यहाँ फिर से बता देती हूँ, 4 and 5 प्लस के हैं तो इट विल एड, 4 and 5 = 9, 9 - 6 = 3 सिमिलरली -7 and -3 विल गिव यू -10, -10 + 12 = +2 x square y, तो
अब आपका आंसर आ गया, एक एक्स वाई स्क्वायर का आ गया और एक एक्स स्क्वायर वाई का. सो फाइनल आंसर इज 3xy² प्लस 2x² y. क्वेश्चन लेंथी जरूर दिखते हैं बट सॉल्व करने में बहुत इजी है. बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक साइन का और एक केयरफुली कॉपी करना है. ठीक है, अगर हमने कहीं गलती से कुछ इधर का उधर कॉपी कर दिया तो सिली मिस्टेक्स होने के चांस होंगे. ठीक है, अब अभी हमने सारे तरीके के नंबर लिए, अब हम एक फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे. ठीक है, अभी हमने सिंपल प्लस माइनस के नंबर लिए. नाउ फोर्थ इज क्वाइट लेंथी एंड लॉन्ग, 5x² माइनस 1/3x प्लस 5/2. दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन. सेकेंड इज माइनस 1/2x² प्लस 1/2x माइनस 1/3. थर्ड इज माइनस 2x² प्लस 1/5x माइनस 1/6. राइट, हमको इसे ऐड करना है. तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा होगा, हम ब्रैकेट में लिख के सबको ऐड कर देंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट एंड कलेक्ट द लाइक टर्म्स. 5x² माइनस 1/3x² प्लस 5/2. प्लस माइनस इज माइनस. ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस. अभी हमने सिंपली ब्रैकेट ओपन किया. नाउ लाइक जाओ, x² ये भी x² ये भी x² सो वी विल कलेक्ट दिस टर्म. 5x² माइनस 1/2x² माइनस 2x² विल पुट द ब्रैकेट एंड नाउ अनदर वन. ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना है, साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए और लाइक टर्म्स हमने फाइंड आउट करना आना चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज एक्स टर्म, दिस इज ऑल्सो एक्स टर्म एंड दिस इज ऑल्सो एक्स. तो दिस इज अ लाइक टर्म, तो हम इसे कॉपी करेंगे. माइनस 1/3x प्लस 1/2x प्लस 1/5x, ये भी कलेक्ट हो गई. लास्ट सिंपल नंबर्स 5/2, दिस वन एंड दिस वन. 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, दीज आर ऑल न्यूमरिक वैल्यूज, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. इसके बाद हम इसे यहां पर सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इज 5x² माइनस 1/2 माइनस 2x², सारा लाइक है. तो मैंने आपको जैसा बताया, कोएफिशिएंट बाहर कर दीजिए, सॉरी टर्म बाहर कर दीजिए कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2. इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम 5/1 लिखेंगे एंड इसे 2/1 लिखेंगे. ऑल आर फ्रैक्शंस, तो अभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना. सेकेंड, एक्स का टर्म है, अंदर हमारे पास होगा माइनस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5. थर्ड टर्म है विदाउट वेरिएबल, मीन सिंपली सॉल्व होगा. क्वेश्चन हमारा प्रॉपरली अरेंज हो गया है, सो नाउ वी कैन सॉल्व. एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, 5 × 2 माइनस 2 × 1 = 2. एलसीएम आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 1 × 2 = 2. ये टर्म था आपका एक्स स्क्वायर का, एलसीएम सॉल्व हो चुका है. सेकेंड टर्म है, अगेन यहां भी एलसीएम आएगा,
5, 2 एंड 3 का एलसीएम जो आएगा दैट इज 30, ठीक है, 30 होगा, 3 tens are 30, so you will get minus 1 into 10, 2 15s are 30, plus 5 6s are 30. ये मैं आपको explain नहीं कर रही हूँ, I am assuming that you already know about LCM and you are very comfortable with the LCM, ठीक है? Now, third term, अभी हमने केवल दो ही terms solve किया, अब इसका LCM लेंगे, इसका LCM 6 आएगा, because 2, 3 and 6 all come in the table of 6, 2, 3's are 6, तो यहाँ आपको मिलेगा this, minus 3, 2's are 6, minus 6, 1's are 6, तीनों पार्ट हमारे LCM निकल चुके हैं, 5, 2's are 10, minus 1, minus 4 upon 2, first term is x square. Similarly, minus 1 into 10 is minus 10 plus 15 plus 6 upon 30 term है x and third यहां मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा हम इसे रब कर देते हैं, third is 5 is a 15 minus 2 minus 1 upon 6. ये हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ कंटिन्यू करना होगा, तो मैं रब कर रही हूँ इसको, क्वेश्चन काफी लेंथी है क्योंकि एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है और एलसीएम हमें इसलिए लेना पड़ रहा है कि यहाँ रैशनल नंबर हैं और साथ में इंटीजर्स भी हैं, मीन्स प्लस माइनस के भी नंबर्स हैं. सो फाइनली यू हैव, एक बार हम वहां से कॉपी कर देते हैं, 10 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस अनदर इज माइनस 10 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 30 एक्स प्लस 15 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है. नाउ 10 minus 1 minus 4 will give you 5 upon 2 x square. 4 and 1, 5. 10 में से 5 subtract हुआ, 5 मिलेगा. Plus, ये हमारा एक result हुआ. 15 and 6 is 21. 21 minus 10 is 11 upon 30 x. Second भी हमारा solve होगा. Now, 2 and 1 is 3. 15 में से 3 हुआ, तो 12 upon 6. Now, एक और स्टेप होगा क्योंकि अगर ये आगे सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हमें देखना होगा, प्लस 11 अपॉन 30 एक्स 12 अपॉन 6 सॉल्व होके हो रहा है 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो एलसीएम सही निकाल के और साइन का ध्यान रख के इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन वॉज सिंपल बट लेंथी, ठीक है. सो हमने एडिशन से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन ले लिया. नाउ वी विल मूव टू द सब्ट्रैक्शन.